अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज, 1 खाने के चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 3 हरी मिर्चें, यहाँ मेरे पास है 2 साबुत लाल मिर्चें, आधी चाय की चम्मच सूखी मेथी, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच सूखा मिर्च पाउडर और 1 चाय की चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया और जीरा पाउडर। और भिंडी जो मैंने ली है वो मैंने लिया है 1/2 kg। उसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद उसको ड्राई किया है, उसके बाद उसकी कटिंग कर ली है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे भिंडी को और फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे भिंडी जो है वो मैंने फ्राई कर ली है तो यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में अब हम मसाला रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें। यहाँ पे लहसुन अदरक की जो है खुशबू आना शुरू हो गई तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी, नमक, सूखा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर। जो मेथी है वो हम बाद में ऐड करेंगे, बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। यहाँ पे मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी पहले से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखी मेथी। मिक्स करेंगे और भिंडी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी है तो हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पे भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी है तब हम इसको छिड़क के देंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।